ऑलराइट, तो क्वेश्चन आया है कि भाई अगर लड़की यानी कि जो लड़का है वो शादी का प्रॉमिस करके तोड़े, यानी शादी का प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और बाद में लड़का मुकर जाता है, तो लड़की रेप केस कर देती है, ठीक है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा या फिर सुना भी होगा, ठीक है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई तब क्या होगा जब अगर लड़की तोड़े, ठीक है, अगर लड़की शादी का प्रॉमिस तोड़ के किसी और से शादी कर ले तब लड़कों का क्या भाई। तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है, इसके फेवर में कुछ लड़कियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये लड़कियों के खिलाफ हैं, कुछ लड़कियां भी बोलती हैं कि भाई ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं वो यूज़ करके छोड़ देती हैं, ठीक है, तो उनको सलाम पूरा भाई, रिस्पेक्ट करते हैं वो लड़कों की, कि भाई लड़कियों के अपने बारे में ही नहीं सोचती औरों के बारे में भी सोचती हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ऐसा तो कोई अभी तक कोई कानून आया नहीं है, ठीक है, कि भाई अगर लड़की शादी का प्रॉमिस तोड़ दे तो उस पर कोई हम केस करवा दें, ठीक है। अब देखो मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ कि भाई उसको धारा ये लगवाओ वो लगवाओ, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ रियलिटी बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को एक जवाब दो, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर दो, कभी आपने ये सुना है कि किसी लड़की के साथ मारपीट हो गई है, कभी आपने सुना है कि लड़की के साथ थप्पड़बाजी हो गई है, सुना है? नहीं सुना होगा, क्यों? अगर किसी लड़की के साथ थप्पड़बाजी भी हो जाएगी ना, सपोज कोई लड़का उसको मतलब हाथापाई करेगा बस, यानी थप्पड़ मारेगा ना, तो केस पता है क्या बनता है? केस बनता है उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसके बॉडी पार्ट्स छेड़े, उसका ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या, यानी कि सारी बात घुमा फिरा के छेड़ने में लग जाएगी कि उसको छेड़ा गया, ठीक है, हालांकि उसको पीटा गया, उसमें बेशक छोटा सा थप्पड़ मारा गया हो, कुछ भी गया हो, उसको धक्का भी गया हो, बात आएगी उसको छेड़ा, क्यों? उसके पार्ट्स हैं, अब बॉडी पार्ट्स हैं, अब बॉडी पार्ट जहाँ टच हुआ वहाँ उसको छेड़ दिया, ठीक है। ये मैंने, ये इंडियन कानून बोलता है भाई, ठीक है, तो मेरे से तो आप नाराज ना हो, तो मैं कानून की बात बता रहा हूँ, मैं तो बस एक मेडिएटर हूँ, आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो है उस जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना वो हार्ड उसकी लॉ में, उसको मैं सिंपल करके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मेरा काम इतना ही है। गाली गलौज कर रहे हैं भाई, अपने कमेंटों में अपनी लॉ को दो, ठीक है, हमें ना दो। तो कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा ना, बिल्कुल नहीं सुना होगा। और कभी आपने ये सुना है कि भाई एक पर्सन है, एक लड़का है, उसका प्राइवेट पार्ट तोड़ दिया, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट पे थोड़ी बहुत तेज किसी ने यानी कि अटैक कर दिया, ठीक है, तो पता केस कैसे लड़ता है? केस कैसे लड़ता है? केस लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसको ये नहीं दिखाएंगे उसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ मारपीट हुई है, गंभीर मारपीट हुई है, ओके, ये नहीं बताएंगे उसके साथ एग्जैक्ट क्या हुआ है कि भाई उसके कहाँ पार्ट पे कितना आया है, कोई मतलब नहीं है, बस यह गंभीर चोट लगी है, ठीक है, केस यही बनता है, क्योंकि प्रोविजन ही है, लड़के के प्राइवेट पार्ट पे कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब जो केस बनाओ कि भाई इसके ऐसा हुआ है तो इस पे पर्टिकुलर केस होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है हमारे समाज में, यानी हमारे लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई अगर उसने बदल दिया है, सपोज आपसे वो शादी नहीं कर रही, तो देखो आपकी बदकिस्मती है, क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया क्या फैक्ट है, ठीक है। और कभी आपने सुना है कि लड़की लड़की के साथ बॉय के साथ रेप हुआ है, हालांकि उसके साथ अननेचुरल सेक्स कर दे कोई, तो कोई मानेगा नहीं कि इसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो पुलिस वाले भी ये सोचते हैं रख के मजाक कर रहा है, ठीक है, समझ रहे ना आप, तो उसका कोई नहीं माना जाता। अब ये इंडियन लॉ में क्या करूँगा, तो हमेशा जो प्रायोरिटी है वो गर्ल्स को दी गई है कि भी उनके साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होगी, मतलब मारपीट भी होगी तो उसको मुद्दा बना दिया जाएगा, छेड़छाड़ का 503 504 जो भी है उसके साथ बना दिया जाता है, इसके साथ छेड़छाड़ हो ये हुआ वो हुआ, ठीक है, और बॉयज़ को बेशक उसका प्राइवेट पार्ट तोड़ दिया जाए, मामला बनेगा गंभीर चोट लगी है बस। तो अगर जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, जिसके मन में ऐसी भड़ास है कि भाई ऐसा कोई कानून है, या उसके उत्सुक हैं कि ऐसा कुछ जानने के लिए, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई केस नहीं होता 420, कुछ नहीं होता। अगर आप करते भी हो कुछ भी ऐसा, कोई वकील आपको बताता है, फुल ऑफ टाइम वेस्ट है, ठीक है, फुल ऑफ टाइम वेस्ट है, ओके, सबको पता है कुछ नहीं होने का इस केस में, ठीक है। अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो भाई प्रॉमिस तोड़ दिया है तो आपकी किस्मत है, हो सकता है आप फॉरवर्ड करो, आप आगे बढ़ो, आप लाइफ में कुछ करो, आगे बढ़ो, ठीक है, तो कुछ हो सकता है आपके लाइफ में कुछ नया लिखा हो, कुछ और अच्छा लिखा हो, ओके, उससे भी अच्छा लिखा हो सकता है, ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।